How many ml of 0.1 molar HCl and 1 are required to react with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3. ठीक है, तो यहाँ पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और NaHCO3 किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? HCl के साथ. बोथ ऑफ देम आर रिएक्टिंग विद HCl. फॉर्म्स NaCl प्लस, दोनों की दोनों सेम रिएक्शन दिखाते हैं. कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बोथ प्रोड्यूस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अच्छा ये वाटर, हाँ तो इनको बैलेंस करें रिएक्शन को. बैलेंस करने पे दिस विल बी 2NaCl और 2HCl. ठीक है, देन H2O ऑक्सीजन बैलेंस्ड. ठीक है, और नीचे वाली रिएक्शन में बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, H2O3. ठीक है, नीचे रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं 1 ग्राम मिक्सचर है, 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ, 1 ग्राम मिक्सचर किस किस का है? Na2CO3 एंड NaHCO3, इन दोनों का 1 ग्राम मिक्सचर है, यानी 1 ग्राम में टोटल ये दोनों के दोनों चीजें आ रही है. ठीक है, रिएक्ट्स विद HCl, तो वो कह रहे हैं वो दोनों चीजें इक्विमोलर भी हैं. इक्विमोलर मतलब मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaHCO3. ठीक है, सिंपल सी बात है यहां पर. अब इसकी इतने से हिंट से हम इस क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं. हम अगर मैं बोलूं लेट मास ऑफ Na2CO3 बी x, Na2CO3 के मास को मैं x रख दूं. ठीक है, और अगर मैं बोलूं मास ऑफ NaHCO3, कैन आई से इट विल बी 1 minus x grams. ठीक है, क्योंकि टोटल मास 1 ग्राम था तो दूसरा 1 minus x gram हो गया. अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. तो आई कैन राइट मोल्स ऑफ NaHCO3 विल बी x अपॉन मोलर मास ऑफ NaHCO3. कितना होता है? Na2CO3 पहले लेते हैं. Na2CO3 का मोलर मास कितना होगा? 46 प्लस 12, कोई जल्दी से मुझे बताओ, 48 ऐड करके कितना है? और NaHCO3 में होगा 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48. दोनों का मास बताओ. 106 किसका है? इसका और इसका 84 ग्राम्स. ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ मोल्स ऑफ Na2CO3 इज 1x/106 और मोल्स ऑफ NaHCO3 विल बी 1 minus x upon 84. ठीक है, अब सिंपल इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ. 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106 एक्स. ठीक है, और फिर 106 विल बी 106 माइनस 84 कितना होता है? अच्छा ये तो ऐड हो जाएंगे. ठीक है, ये हो गए 190x इज इक्वल टू 106. तो x इज इक्वल टू 190/106. ठीक है, तो कितने ग्राम्स आ गया ये x? उल्टा हो गया 84x 90. सर 106 ऊपर आएगा. हाँ 106, अच्छा हाँ सॉरी. ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे 106 विल बी 106 डिवाइड बाय 190. कितना आया ये? 0.557.
ये ग्राम्स आ गए हमारे, किसकी मास आ गया Na2CO3 का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऑब्वियसली ये सोल्यूशन का नहीं था, इसीलिए इनको इसको करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये तुम्हारे जेई मेन्स के लिए तुम बाद में जब सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री करोगे तब तुम कर सकते थे, ठीक है। तो सिंस इसमें कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई अभी तक कोई इसमें मेन टॉपिक हमारा रॉयल्स लॉ हेनरीज लॉ नहीं लग रहा, तो ऐसे क्वेश्चन अभी बोर्ड में तो आने के चांसेस और में है, कि जो ऑप्शन वाला पार्ट होता है उसमें अगर किसी ने कर रखा है तो और में दे देंगे, बट दे विल नॉट गिव दिस इन मेन पेपर। आज तक तो नहीं दिया, पर तुम लकी हो तो अलग बात है, ठीक है। तो अब हमारे पास मास ऑफ Na2CO3 आ गया, आगे ये क्वेश्चन स्टोशियोमेट्री का हो जाता है। तो अगर मैं मोल्स ऑफ Na2CO3 निकालूं तो मोल्स ऑफ Na2CO3 कितना आएंगे, दैट विल बी 0.557 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ Na2CO3 वॉज 106, कितना आएगा। ये तो 106 वन बाय 190 कट जाएगा, पॉइंट 0052 आ गया, सही है या नहीं। ठीक है, तो मोल्स ऑफ Na2CO3 इज ऑल्सो इक्वल टू मोल्स ऑफ NaHCO3। उसके आगे तुम क्या बोल सकते हो, यू कैन से इफ वी सी द रिएक्शन, रिएक्शन में देखें तो वन मोल ऑफ Na2CO3, वन मोल ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्स टू मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। ऐसे सिमिलरली आई कैन से सो 0.0052 मोल्स ऑफ Na2CO3 विल रिक्वायर 2 × 0.0052 मोल्स ऑफ HCl। सिमिलरली रिएक्शन को देखो तो NaHCO3 के अंदर कह रहा है से वन मोल ऑफ NaHCO3 रिक्वायर्स कितने, वन मोल HCl, ठीक है। और सो आई कैन से 0.0052 मोल्स ऑफ NaHCO3 विल रिक्वायर 0.0052 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। तो रिएक्शन देखकर तो टोटल मोल्स ऑफ HCl कितने रिक्वायर्ड होंगे, तो दैट विल बी 3 × 0.0052, तो 3 × 0.0052 is 0.015 मोल्स ऑफ HCl आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अब मोल्स आ गए और मोलारिटी गिवन है, मोलारिटी कितनी है, 0.1 मोलर इज द मोलारिटी। वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम हमें निकालनी है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो ठीक है हम फॉर्मूला लिख देंगे। और हमारे पास वॉल्यूम हमें निकालनी है, तो दैट विल बी मोल्स अपॉन में मोलारिटी, दैट इज 0.1, तो सॉरी 0.015 था, तो दिस इज 0.0015 ml, सॉरी लीटर इज रिक्वायर्ड। और अगर हमें ml में निकालना है तो दैट इज 1.5 ml ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड। बोलो क्लियर, यस और